तो आप पीछे वाला जो सॉन्ग सुन रहे हैं ना, पीछे वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप, ये गाना बहुत फेमस हुआ किम पटरा कसका लगू में, और ये है इसके किनारे गोमती का किनारा। ये सरी और गोमती वाली गोमती नहीं है, ये गोमती का किनारा है लखनऊ का, और ये जो उत्तरायणी मेला है वो भी है लखनऊ का। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो हम लोग पहले से बचपन में जाते थे बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में, लेकिन इस बार जा नहीं पा रहे क्योंकि है लखनऊ में। तो लखनऊ में भी सारे कुमाऊँ के लोग लगाते हैं उत्तरायणी मेला गोविंद वल्लभ पंत उपन पार्क में। ये बिल्कुल हनुमान सेतु के पास है, बिल्कुल गोमती का किनारा है यहाँ पे, और सामने सामने यहाँ पे है, इधर से पार्किंग है, दोनों साइड है पार्किंग, उस साइड भी साइड में। तो मैंने गाड़ी उधर खड़ी की हुई है, इधर शायद उधर गेट है गाड़ी का, मतलब उधर मेले का मेन गेट है। तो अभी हम लोग मेले के अंदर जाने वाले हैं। तो आज साथ में मम्मी पापा लोग आ गए हैं पहाड़ से, ये पापा भी आए हैं मेला देखने के लिए, अब मम्मी भी आई है मेला देखने के लिए। और निहारिका अभी से वाला गाना सुनने में लगी है, नीम क्रीम पटरा वाला, तो खुश हो रही है वाला गाना सुन के। तो देखिए, ऊपर से हाईवे से हम लोग नीचे आए हुए थे, फिर उधर मैंने लगाई गाड़ी अपनी पार्किंग पे गोमती किनारे पे, तो यहाँ पर लगा हुआ है पूरा मेला। कौथी की तो होता है, कौथिक नहीं कौथिकी होता है, कौथिक 2023 यहाँ पर मिल रही है 200 रुपये की साड़ियाँ। देखो पूरी सेल लगी है, हर साड़ी 200 रुपये की है यहाँ पर। उतनी कौथिक यहाँ पर मिल रही है, देखो अलग अलग टाइप के चूरन वाली गोलियाँ और अलग टाइप का आइटम इधर मिल रहा है। देखो सती जी का अचार, मतलब उत्तराखंड के जो फेमस सती जी है उनका अचार इधर मिल रहा है। सम्मेलन है हमारे धन सिंह मेहता अंजान जी उस सम्मेलन को, वो उनकी परिकल्पना है। तो यहाँ पे लगा है प्रोग्राम, तो आज शाम को यहाँ पे आने वाले हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी, शाम को आसाम कहेंगे। साथ साथ में यहाँ पर कवि सम्मेलन भी है, तो ऐसे यहाँ पे कुमाऊनी कल्चर वाले प्रोग्राम इस स्टेज में हो रहे हैं। उस साइड दुकानें लगी हैं, अभी हमने आधी दुकानें घूम ली हैं। तो आप देखो यहाँ पर कश्मीर और कुल्लू के साइड से वुलन कपड़े बहुत सारे आए हुए हैं, और साथ साथ में उत्तराखंड के भी कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, और साथ साथ में लखनऊ के चिकन के कपड़े के लगे हुए हैं। साथ साथ में मिल रही है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई और सिंगौड़ी, दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। अल्मोड़ा से आई हुई मिठाइयाँ हैं, लुधियाना हाउस। तो यहाँ पर कुछ गरम गरम कपड़े मिल रहे हैं, इधर मालाएं मिल रही हैं, जीवन में स्वास्थ्य संपन्नता कंप्यूटर एनर्जी के लिए हीलिंग प्रोडक्ट के साथ जैसा कुछ लिखा हुआ है, होर्डिंग लगी हुई है। इधर स्वेटर मिल रही है, स्वेटर की सेल लगी हुई है। उधर रानीखेत बाजार लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ बंदा कश्मीर का खड़ा हुआ है। इधर बागेश्वर बाजार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मिल रही है मिठाइयाँ। तो उत्तरायणी कौथिक 2023 लिखा हुआ है, मोस्टली यहाँ पर वूलन सेल ज़्यादा है, और वो भी कश्मीर और हिमाचल के लोग ज़्यादा हैं। तो ये बागेश्वर धाम के ज्योति दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। दाजू की दुकान, जहाँ पारंपरिक पहाड़ी उत्पादों का संपूर्ण विक्रय केंद्र है। ये आए हुए हैं अर्जुनपुर हल्द्वानी से, इनके पास राजमा, साथ साथ में देखते हैं क्या क्या राजमा घेत भट्ट वगैरह सब कुछ है, भीड़ बहुत है, तेल भी लेके आए हैं वो पहाड़ से। तो यहाँ भी मडवे का आटा और राजमा भट्ट
मांस की दाल, रेस, बड़ी और अचार वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो साथ में ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं कश्मीर के, बादाम, काजू वगैरह सब चीज। तो यहाँ पे है पहाड़ी आंवले, पहाड़ी हल्दी, देखो हल्दी भी को है, ये देखो गडेरी, पहाड़ी अदरक, पहाड़ी लहसुन और ये पूरी दुकान में सारा सामान मिल रहा है पहाड़ी। तो यहाँ पे मम्मी का देखो एंट्री चलने लग गया, यहाँ पर लगा है उत्तराखंड के साहित्यकार, उत्तराखंड के साहित्यकार के साथ ये किताब देखो ऐसी लगी हुई है साथ साथ में, तो उनकी किताब बिक रही है धकाधक। देखो मम्मी अपनी किताब दिखा रही है, तो साथ साथ में यहाँ पर अभी कुछ कवि देते कवि सम्मेलन है। एक्चुअली मैंने अगर मम्मी का नाम पहले लिखा है तो मम्मी आराम से वहाँ कवि सम्मेलन में जा सकती थी, लेकिन अब क्या क्या सीटें खुले तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। लगा है इस साइड फूड कोर्ट भी, मतलब आप आके चाउमीन, मोमो का लुत्फ, चाय का लुत्फ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो निहारिका की नज़र फिर से चलेगी है कंबल और ये चादर, ये चादर भी गर्म वाली है और साथ में डबल बेड की चादर है, तो 1500 रुपये की ये चादर चार मिल रही है। ये कंबल मिल रहा है 1000 रुपये की दो और वो वाली 1200 रुपये की दो डबल बेड की। निहारिका अब ये खरीद रही है और मिलों में भी मिल रहा है फर्नीचर वगैरह सामान, तो यहाँ भी घर को डिजाइन करने के लिए सामान मिल रहा है साथ साथ में। देखो ये पूरा लगा हुआ है, लेकिन जैसे होता है ना कि और मिलो मिला सामान, हर माल 5 रुपया 10 रुपया, वो इस मेले से फिलहाल नज़ारज है। जैसी फौज ने तेरी भाग के जान बचाई है, गीता जैसी फौज ने तेरी भाग के जान बचाई है। याद करो 65 को जब लाहौर पे अपना कब्जा था, याद करो 65 को जब लाहौर पे अपना कब्जा था, मांग रहा था भीम तुम्हारे मुल्क का हर एक बच्चा था। 71 के युद्ध में हमने अनदेखी कर डाली थी, 71 के युद्ध में। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे किसी चैनल वाले ने पकड़ लिया और उनका मेरा इंटरव्यू लेने लग गया। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरा गोप्रो देख के एकदम से थोड़ा मतलब अचंभित थे कि वो लोग इतने बड़े बड़े कैमरे लेके आ रखे हैं, बोले कि आप गोप्रो से शूट कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मैं गोप्रो से शूट करता हूँ सारे ब्लॉग अपने, तो उनको अच्छा लगा। तो अभी क्या था कि ये मेरा मेला आया था, तो यहाँ पर से हम लोगों ने लिया था मेले से ये कंबल और एक डबल बेडशीट और आधा किलो राजमा भी खरीदी हुई है साथ साथ में। मम्मी पापा लोग पहुंच गए गाड़ी पे, वो वहाँ बैठ के बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैं पीछे पीछे रह गया। तो ये था आज का ब्लॉग, आप भी आइए और उत्तराखंड की फेमस दाल वगैरह सब कुछ लेके जाइए इस मेले से और थोड़ा कल्चर प्रोग्राम देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।